फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, कंसीव करना आज के टाइम पे बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लगी हैं। ये मुश्किलें किस वजह से आ रही हैं ये तो नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अब आ रही हैं। हर दूसरा बंदा, हर जो दूसरी औरत है वो इनफर्टिलिटी फेस कर रही है। मैंने भी फेस किया है, बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, बहुत चीज़ें करवाई हैं, उसके बाद कहीं जाके मुझे रिज़ल्ट मिला। बट मैंने बहुत से डॉक्टर को भी दिखाया है, जबलपुर, कानपुर, बनारस, लखनऊ, मैंने कई जगह की कई गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है। बट जब भी मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो वो पांच चीज़ें और पांच टेस्ट, सबसे पहले मतलब कि चीज़ें और टेस्ट दोनों मिला के वो कहती थी कि अगर ये चीज़ें आपकी सही हैं तो आप नेचुरल कंसीव कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसके पास भी मैं गई, चाहे मैं जबलपुर दिखाने गई, कानपुर दिखाने गई, कहीं भी दिखाने गई, तो कुछ एकदम बेसिक चीज़ें रहती थी जो हर डॉक्टर मुझसे पूछती थी। और हर डॉक्टर ये जानना चाहती थी कि क्या मेरी ये चीज़ें सही हैं, क्या मैं नेचुरल कंसीव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं जहाँ भी गई, पहली बात IVF की नहीं आती थी, IUI की नहीं आती थी। पहले हर डॉक्टर यही जानना चाहती थी कि मेरे अंदर कमी क्या है या फिर मैं नेचुरल कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो हर डॉक्टर कुछ बेसिक चीज़ें पूछती थी और बेसिक टेस्ट कराती थी कि क्या मेरी वो सब चीज़ें सही हैं या नहीं सही हैं, मैं नेचुरल कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आज की वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से आप लोग के साथ वही शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप नेचुरल कंसीव करना चाहती हैं तो कुछ चीज़ें एकदम सही आपकी होनी चाहिए। और मेन 5 चीज़ें जो हैं, जो मैंने फेस किया, जो मुझे फील हुआ कि हाँ, अगर ये चीज़ें सही हैं तो नेचुरल कंसीव हर कोई कर सकता है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरा एक अनुभव है, बाकी तो डॉक्टर ही सब कुछ होते हैं। सबसे मेन फर्स्ट चीज़, मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास गई हूँ, सब ने मुझसे पूछा है कि आपकी पीरियड साइकिल जो है वो सही रहती है, कितने दिन की रहती है, और क्या हमेशा हर मंथ सेम उसी डे पे आता है, सब कुछ सही है आपके पीरियड्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी सबसे पहली चीज़ है कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो एक हफ्ता पहले आए या एक हफ्ते बाद आए, बट वो हमेशा उसी टाइम पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर पीरियड साइकिल सही होती है ना, तो जो आपको ओल्यूशन होता है वो ट्रैक करने में आपको खुद आसानी होती है, आपको खुद पता होता है कि हाँ, आज इस दिन रिलेशन बनाने से मैं कंसीव नेचुरली कर सकती हूँ। तो आपकी पीरियड साइकिल और हार्मोन जो होते हैं वो आपके एकदम बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी तो ओल्यूशन ट्रैकर भी आते हैं, बट आपका फिर भी पीरियड साइकिल अच्छा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, अपने टाइम पे होना चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर मुझसे जानती थी और हर डॉक्टर कहती थी कि इसका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की बात करूं तो मैं जहां भी गई हूं, जिस भी डॉक्टर के पास गई हूं, हर किसी ने मुझसे मेरा थायराइड लेवल पूछा, कहीं आपको थायराइड की बीमारी तो नहीं है। मुझे थी तो नहीं, बट जब मेरे टेस्ट हुए तो उसमें थायराइड लेवल कंसीव करने के लिए कुछ बढ़ा, मतलब कि कुछ रेंज में बढ़ा हुआ आता था। अगर मुझे कंसीव न करना रहता तो वो रेंज सही था, बट मुझे कंसीव करना था और मेरा बच्चा हेल्दी मुझे चाह रहा था, तो उसके लिए थायराइड लेवल डॉक्टर के हिसाब से हमेशा बढ़ा हुआ मेरा रहता था। डॉक्टर का ये कहना था कि अगर आपको कंसीव करना है तो आपका 1 से 2 रेंज में ही आपका थायराइड होना चाहिए, 1 से 2 के रेंज में, और मेरा जो आया था वो 4 या 5 ऐसे आता था, तो वो डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रेंज आता था। और थायराइड की वजह से ही शायद मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी अबॉर्ट हुई थी वो थायराइड, क्योंकि उस समय मेरा 5 point कुछ थायराइड लेवल था। तो अगर थायराइड आपकी बढ़ी हुई रहती है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं तो वो बच्चा, मतलब कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, एबॉर्ट हो जाता है। तो सेकेंड आपका यही है कि अगर आप नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं तो आपका थायराइड लेवल सही होना चाहिए। किसी डॉक्टर को दिखा के आप अपने थायराइड टेस्ट करा लीजिए, और अगर वो कोई मेडिसिन आपको लिखते हैं, थायराइड में मेडिसिन खाई जाती है 25 mg 50 mg ऐसे खाई जाती है, अगर वो आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करते हैं तो आप वो लीजिए। आप पहले अपना थायराइड लेवल एकदम सही करिए, बैलेंस में करिए। अगर उससे थायराइड आपका सही रहेगा तो अगर आप कंसीव भी कर लेंगे ना, तो आगे आपको मतलब बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल जाएगी। थर्ड चीज़ है कि आपका जो एग है, हर महिला में एग बनते हैं और वो एक टाइम पे जाके रप्चर होते हैं, जो कि स्पर्म से मिलते हैं, तो आपका वो सही होना चाहिए, आपकी एग मतलब कि जो साइज़ है वो सही होना चाहिए, एंड टाइम पे ही आपके ओल्यूशन टाइम पे ही वो रप्चर होना चाहिए, तो ही जाके प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव हो पाती है। इसके लिए आप फॉलिकुलर स्टडी करा सकती हैं, मैंने भी कराया हुआ था, मैंने अपने उससे रिलेटेड वीडियोस डाली हुई है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो आप फॉलिकुलर से जान सकती हैं कि आपकी एग की साइज़ क्या है और वो किस डे पे रप्चर हो रहे हैं, ताकि उस दिन अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपको नेचुरल कंसीव करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, आसानी रहेगी। तो थर्ड चीज़, आपको फॉलिकुलर मतलब कि आपका एग जो है वो सही साइज़ में होना चाहिए, बनना चाहिए, और सही टाइम पर रप्चर होना चाहिए।
तो ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हर डॉक्टर ने मेरा ये कराया हुआ है। मैंने कानपुर में अपना फॉलिकुलर कराया हुआ था और लखनऊ में भी मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा था ये फॉलिकुलर कराने के लिए, बट मैं उस समय वहाँ गई नहीं थी, मैंने आयुर्वेदा में जाके ट्रीटमेंट करा लिया था। तो आपका ये फॉलिकुलर सही होना चाहिए। फोर्थ टिप्स, जब डॉक्टर आपको मेडिसिन दे के और सारे टेस्ट करा के हार जाते हैं और तब भी आपको नेचुरल कंसीव नहीं होता है, तो सबसे मेन आता है आपका ट्यूब ब्लॉकेज। कहीं आपकी ट्यूब तो नहीं ब्लॉक है, आपकी ट्यूब हेल्दी है नहीं हेल्दी है, ओपन है नहीं ओपन है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सही है या नहीं सही है। सबसे मेन चीज़ तो आपकी ट्यूब ही होती है। ट्यूब अगर आपकी सही है तो और सारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी होती हैं, वो सब तो सॉल्व हो जाती है महीने दो महीने में, बट ट्यूब की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर बहुत जल्दी सबका ध्यान नहीं जाता है, बट अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रही हैं नेचुरल कंसीव करने के लिए लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपना ट्यूब टेस्ट आप जरूर करा लीजिए, जो कि HSG टेस्ट होता है। इससे भी रिलेटेड मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरा एक्सपीरियंस पेन होता है कि नहीं होता वो सब जाके आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। बट ये फोर जो है आपका एकदम सही होना चाहिए कि आपकी ट्यूब जो है वो दोनों ओपन होनी चाहिए। दोनों ना सही तो एक ओपन होनी चाहिए और जो ओपन है उधर साइड ही एक रप्चर होना चाहिए। लेकिन आपकी ट्यूब सही होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, नेचुरल कंसीव करने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ट्यूब ओपन होना। एंड फाइव जो चीज़ है वो है मेल से रिलेटेड कि मेल स्पर्म अच्छा होना चाहिए, उनका वो काउंट सही होना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बाकी ये चार चीज़ अगर आपकी सही है और वो पांच मेल स्पर्म सही है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकती हैं। तुरंत आपको IVF या IVI की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको बहुत ज़्यादा हैवी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी ये पाँच चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। फर्स्ट आपका पीरियड साइकिल सही होना चाहिए, सेकेंड आपका थायराइड लेवल सही होना चाहिए, थर्ड आप फॉलिकुलर स्टडी से जान सकती हैं कि आपका एक कब रप्चर हो रहा है, और आपकी एक साइज़ ये सही होनी चाहिए एंड अच्छे, मतलब कि आपकी एक साइज़ सही होनी चाहिए प्लस वो रप्चर होना चाहिए, ये आपका सही होना चाहिए। फोर्थ आपकी ट्यूब जो है वो ओपन होनी चाहिए एंड हेल्दी होनी चाहिए। फिफ्थ जो है कि मेल स्पर्म सही होना चाहिए, काउंट उसके सही होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए। तो अगर ये पांच चीज़ सही है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। और मैं जहां भी जिस भी डॉक्टर के पास गई हूं, यही बेसिक चीज़ वो मुझसे पूछते थे और यही सारे टेस्ट मेरे बार बार रिपीट होते थे। ओके, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया।